सत श्री अकाल, वेख रहे हो तुसीं पंजाब टीवी प्राइम। भारत ते पाकिस्तान दे विचकार 1999 दे विच होई कारगिल जंग दे दौरान भारतीय सेना दे जो नौजवान शहीद होए सन उन्हां दे विच इक नौजवान तहसील गढ़शंकर दे पिंड बीणेवाल दा कारगिल शहीद बलदेव राज भी शामिल सी। परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि 17 जुलाई 1999 दे विच कारगिल दी जंग दे विच बलदेव राज देश दे लई शहीद हो गए। जदों इस गल दा उन्हां नूं पता चलिया ता पिंड दे विच मातम वर्गा माहौल बन गया। शहीद बलदेव राज दे परिवारक मैंबरां ने दस्सिया जो वादा पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार ने उन्हां नाल कीता सी ओह पूरा नहीं कीता गया। उन्हां ने दस्सिया कि उस समय पंजाब सरकार ने परिवार दे इक मैंबर नूं सरकारी नौकरी अते परिवार नूं पेट्रोल पंप जां गैस एजेंसी देण दी गल कही सी। उन्हां ने रोष जाहर कीता कि पंजाब सरकार ने ना तां उन्हां दे परिवार नूं नौकरी दित्ती अते जदों उन्हां पेट्रोल पंप अते गैस एजेंसी लई अपलाई कीता तां शहीद बलदेव राज दी पत्नी सोमा देवी दा अनपढ़ होण दा आरोप लगा के उस नूं सुविधा तों वांझा रखिया गया। उन्हां दस्सिया कि बलदेव राज दे शहीद होण ते उस समय केंद्र सरकार वल्लों मुआवजा दित्ता गया पर जिहड़ी सुविधावां देण दी गल कही गई सी ओह नहीं दित्तियां गईयां। उन्हां दस्सिया कि शहीद बलदेव राज दे नां ते सरकारी स्कूल दा नां 2000 दे विच कागजां दे विच मंजूर कर दित्ता गया पर सरकार दी अणगहिली अते कुछ शरारती अंसरां दे कारण इस नूं असली जामा पहनाउण दे विच वड्डा संघर्ष लड़ना पिया ते 2021 दे विच सरकारी स्कूल दा नां बदल के शहीद बलदेव राज रखिया गया। परिवारक मैंबर दसदे हन कि शहीद बलदेव राज दे नां ते पिंड दे मार्ग दा नां तां रख दित्ता गया पर सड़क दी सरकार ने कदे सार नहीं लई। शहीद दे परिवार ने दस्सिया कि ओह अपने पद्धर ते शहीद दा 17 जुलाई नूं प्रोग्राम मनाउंदे हन पर पंजाब सरकार जां प्रशासन वल्लों कदे वी इस नूं नहीं मनाया गया। परिवार अते पिंड वासियां ने शहीद बलदेव राज दी देश लई दित्ती कुर्बानी नूं मुख रखदे होए पिंड नूं शहीद दा दर्जा देण दी मंग कीती है। गढ़शंकर तों पंजाब टीवी प्राइम दे लई बिट्टू चौहान दी रिपोर्ट। मेरा नाम धर्म सिंह है, मैं शहीद बलदेव राज दा पुत्तर हां। मेरे डैडी 17 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। ठीक है जी, साडा सरकार ने उदों बहुत वड्डे वड्डे वादे कीते साडे ना, सेंटर सरकार ने भी कीते, पंजाब सरकार ने भी वादे बहुत वड्डे कीते साडे ना, पर साडे ना जो वादे कीते गए साडे ना नहीं निभाए गए। जदों कि साडे मापे ते जो अनपढ़ ते अनपढ़ होण दा उहदा नजायज़ फायदा उठाया सरकारां ने। उस वेले सरकारां ने साडों कहा था साडे मापिआं नूं, जदों मैं उस वेले 10 साल का था, जो साडे मापिआं नूं उस वेले कहा था भी तुहानूं पंजाब सरकार एक बच्चे नूं नौकरी देऊंगी तुहाडे नूं, सानूं पंजाब सरकार ने नौकरी भी नहीं दित्ती। और पंजाब सरकार ने और सेंटर सरकार ने कहा था भी इन्हां दे परिवार नूं पेट्रोल पंप जां गैस एजेंसी जां बस परमिट दित्ता जाऊँगा, पर जदकि साडी उह भी पुकार नहीं सुनी गई, सानूं कुछ नहीं दित्ता गया। और जदकि असी कोई अपलाई किया, जदों अपने पेट्रोल पंप किया अपलाई, गैस एजेंसी अपलाई की, और साड़ी माता पर उन्हें ऑब्जैक्शन लगाता अनपढ़ होने का, जबकि यह ऑब्जैक्शन बनता नहीं है शहीद के परिवार को, यह ऑब्जैक्शन नहीं बनता। जो असी हुण बड़े हुए सानू पता लग्या, सानू नहीं पता सी उस वेले, बहुत असी मंदभागी हालत में इस वेले गुजर रहे हैं। असी दिहाड़ी करके गुजारा कर रहे, अपने परिवार का कर रहे हैं। सानू ना सेंटर सरकार ने पुछया, ना सानू पंजाब सरकार ने पुछया, असी इस वेले बहुत ज़्यादा तंगी जाए जी। हाँ जी, उन्होंने शहीद बलदेव राज डैडी उनके नाँ से साढ़े स्कूल का नाम रखा गया एक, तो जबकि वह 2000 सैक्शन हो गया था जो कि कागजा के। ठीक है जी, जबकि कुछ शरारती अंसर होने के बावजूद कुछ बंदे साढ़े नाल, कुछ शरारती अंसर तो उन्हें ना नहीं होने दिता स्कूल का ना, जबकि कागजा च ना 2000 का चलता था। असी बहुत जद्दोजहद की, कुछ बंदे साडे पिंड दे साडे नाल ते उन्हें जद्दोजहद की, जद्दोजहद होने के बाद 2021 उनका नाँ स्कूल से लिखा गया और स्कूल के अपने डाकूमेंटा से स्कूल का नाँ हूँ आ रहा डैडी उनके नाँ पर। एक मार्ग बनया हुआ है 2007 मार्ग बनया, और डैडी उनका अपना झुंगी तो लैके महतमाणी तक 4.5 किलोमीटर का मार्ग है जो कि डैडी उनके नाँ पर बनया गया। कुछ नहीं साढ़े साढ़े पिंड नूं कुछ नहीं है अपने सरकार का देने, पिंड नूं तो उन्हें क्या देना, उन्हें जो सरकार ने सानू ना दिता कुछ भी तो उन्हें पिंड नूं क्या देना सरकार ने। असी 17 जुलाई नूं हर साल 17 जुलाई नूं डैडी उनका शहीदी दिन मनाते हैं। कोई साडे किसी ने अपने पिंड तो छुट और साडे रिश्तेदारों तो छुट, साडे ने किसी ने सरकार कोई कदों कदे नहीं खड़ती है। 15 अगस्त हुंदी है, 26 जनवरी हुंदी है, नहीं कुछ भी नहीं अपने साडे ना कदे भी सरकार ने सानू ना सद्या किते पासे। जे मान लो सद्दे है तो उत्थे जाके जाते हैं जाके बिठालते हैं, चाह पानी पिला के इदे सानू तोड़ देंगे है। हाँ, लिख के ले लेंगे, हाँ जी तुहाडा काम किया जाऊँगा जी, पर मुड़ के नहीं सारा ले जाने साडियां। बहुत दुख लग्या उस वेले सानू अपने आप की, जिस वेले डेड बॉडी लेके आए ना इतने साढ़े अपने, उस वेले
ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪੋ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਏ। ਸੱਸ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ ਦੋਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਆਏ 3-4 ਵਜੇ ਆਏ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਗੀਰ ਵਾਸਤੇ ਭਈ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਬਹੂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਮੇਨ ਝੁੰਗੀਆਂ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੀਣੇਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਹਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੀਣੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ, ਅਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ